चैनल ब्लॉग विद इंदरजीत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइज। और अभी मॉर्निंग हो चुकी है एंड डिस्टर्बेंस आ रही होगी आपको, मेरा बेटा लगा हुआ है यहाँ पे, छोटी अलमीरा को ओपन कर रहा है। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और बस अभी मुझे अपना मॉर्निंग रूटीन जैसे मैं डेली फॉलो करती हूँ वो सब कर लिया है मैंने। एक्चुअली डस्टिंग वगैरह मॉर्निंग का जो मेरा काम होता है वो सब मैं करके फ्री हो चुकी हूँ। और आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं जो कि वॉशिंग मशीन में करूँगी मैं। एंड मैं अपने वॉशिंग मशीन में किस तरह से अपने डेली के क्लोथ्स वगैरह वॉश करती हूँ वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या तरीका है मेरा वॉशिंग मशीन में, मैं किस तरह से क्लोथ्स को वॉश करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट है वॉशिंग मशीन में, उसके बाद मैं इसमें जो भी धुलने वाले कपड़े हैं वो डाल दूंगी। और एक्चुअली मैंने थोड़े से कपड़े पहले से टब में डुबो दिए थे जो कि ज़्यादा गंदे हो रहे थे धोने के लिए। तो मैं जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको मैं पहले ही थोड़ी देर के लिए सर्फ वाले पानी में डिप करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टब में कुछ कपड़े डिप करके रख दिए हैं ये पड़े, और बाकी के ये कुछ क्लोथ्स हैं जो कि मेरे हस्बैंड को चेंज करने थे उन्होंने चेंज किए हैं, तो ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। और जो ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं उनको पहले मैं सर्फ वाले पानी में डिप करके रख देती हूँ ताकि उन पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस इस वजह से अभी पानी भरने का वेट है, पानी भर जाएगा मशीन में तो फिर मैं इन कपड़ों को इसमें डिप कर दूँगी।
सब मैंने एक्चुअली वॉश कर लिए हैं। अब इनको मुझे साफ पानी में से खंगाल के इसमें रखना है, इसमें डालना है, स्पिन करना है। तो मैं अभी क्या करूँगी, इसका जितना भी गंदा पानी था सर्फ वाला वो सब मैंने ड्रेन कर दिया है, और अब मैं दोबारा से इस वॉशिंग मशीन को पूरा खाली करके दोबारा इसमें साफ पानी भर रही हूँ। और पानी भरने के बाद इसी में मैं अपने सारे कपड़ों को खंगाल के यहीं पे साथ में इसी में स्पिन कर लूंगी। तो जिनको बैक प्रॉब्लम रहती है या फिर जिनकी कमर वगैरह में दर्द है, विंटर्स में मुझे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो लोग भी इस तरह का ट्रिक यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी कमर आपको झुकना ज्यादा ना पड़े, आपकी कमर दर्द ना हो, तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं तो इसी तरह से करती हूँ, नहीं तो फिर मुझे दोबारा सारे कपड़े वहाँ पे ले जाके वॉशरूम में बकेट में पानी भरो, टब में पानी भरो, फिर उसमें से खंगालो, फिर निचोड़ो, फिर इसमें लेके आओ, स्पिन करो, वो सब मैं नहीं करती। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें जितना भी सर्फ वाला पानी होता है सब ड्रेन करके दोबारा से साफ पानी भर के, ये देखो पानी भर गया है और कपड़े यहाँ तक आ गए हैं। ये साफ पानी भर रही हूँ मैं इसमें, अब ये सारा साफ पानी इसको अच्छे से मैं, ज्यादा खंगालने की भी जरूरत नहीं आपको। आप क्या कीजिए, हल्का सा इसको घुमा दो थोड़ा सा, एक दो मिनट के लिए, ये देखो इस तरह से। तो आपका जितना भी कपड़ों में सर्फ होगा वो सब निकल जाएगा, और आप साथ के साथ निकाल के इस Thank you.